लोकसभा चुनाव की इस युद्ध में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये कहना मुश्किल है, साथ ही ये बताना भी मुश्किल है कि कौन कौरव साबित होगा और कौन पांडव। लेकिन एक बात जो पक्के तौर पे कही जा सकती है कि पश्चिम बंगाल इस बार के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र के मैदान में बदलता जा रहा है। इस चुनावी समर में राज्य के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों दलों के बीच तेज होती जुबानी जंग से ये साफ हो गया है कि देश के जिन राज्यों में दो प्रतिद्वंदियों के बीच कांटे की टक्कर होनी है उनमें पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बार बड़े पैमाने पर हिंसा और बूथ लूट का अंदेशा जता रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल को अति संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में रखने की अपील की है। पार्टी ने आयोग से राज्य के हर मतदान केंद्र में बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों के अलावा CRPF जवानों को तैनात करने और मीडिया पर निगाह रखने के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। इस पर राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि ममता बनर्जी को सत्ता में आने के बाद पहली बार इतनी कड़ी चुनौती मिल रही है, इसीलिए मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई और दिलचस्प बनती जा रही है। दोनों पार्टियां अपनी एक इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन इससे राज्य के कई खासकर सीमावर्ती इलाकों में भारी हिंसा का अंदेशा है। कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि अपने पैरों तले की जमीन मजबूत करने के इरादे से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को खिलाफ अपनी तरकस के तीरों से हमला करना शुरू कर दिया है। बंगाल में लोकसभा के चुनाव इतने अहम कभी नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार दोनों दावेदारों ने इसे निजी साख का सवाल बना लिया है। दोनों पक्षों के युद्ध हुंकार की वजह से अब की राज्य में चुनाव दिलचस्प तो होंगे ही, उनके हिंसक होने का भी अंदेशा है। राज्य की 42 सीटें किसी भी पार्टी का या गठजोड़ का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।